हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोस्ट्रेजी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है रेडमी नोट 9 प्रो फोन और आज इसमें OTG टेस्ट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास OTG टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारा एसेसरीज है, यहाँ तक कि 1 TB का हार्ड ड्राइव भी है। तो फ्रेंड्स, सारा चीज़ टेस्ट करेंगे इस फोन में और बताएंगे क्या सपोर्ट करता है, क्या नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइप सी OTG, इसे भी फोन में इंसर्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी एसेसरीज मैं दिखाऊंगा बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर चाहे तो वहां से परचेस कर सकते हैं। और ये हमारे पास सैंडिस्क का 16 GB पेन ड्राइव, तो पहले इसे इंसर्ट करते हैं और देखते हैं ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें नोटिफिकेशन आ चुका है। ये देखिए, नोटिफिकेशन पैनल को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखिए सैंडिस्क USB डिवाइस है। इस पर टैप करने के बाद हमारे पेन ड्राइव में जितने भी सारी चीज़ें थे, सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मतलब पेन ड्राइव सपोर्ट करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास है एक ब्लूटूथ डोंगल जिसकी हेल्प से मैं कीबोर्ड एंड माउस को चलाता हूँ। तो इसे अभी इंसर्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोन में कीबोर्ड एंड माउस ब्लूटूथ के जरिए सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो इसे मैं अभी इंसर्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, इसे इंसर्ट करते ही। और यहाँ पे हमारा माउस परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों कहीं भी कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये मैं डायलर पैड ओपन किया तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे हम अभी चेक कर लेते हैं कीबोर्ड किस तरीके का वर्क करता है, कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं। यहाँ पे अभी मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, ये देखिए आकाश और ये शर्मा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नाम भी परफेक्टली टाइप हो चुका है, कोई भी टाइप मिसिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी बात है, कीबोर्ड एंड माउस भी सपोर्ट करता है ब्लूटूथ के जरिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास है एक LED लाइट जिसकी हेल्प से मैं रात को लैपटॉप वगैरह यूज़ करता हूँ इसकी रोशनी से। तो इसे अभी मैं इंसर्ट करता हूँ और इसे ये भी पता चल जाएगा कि इस फ़ोन से आउटपुट एनर्जी बाहर आता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंसर्ट करते ही ये लाइट जल चुका है। इसके मतलब दोस्तों, इस फ़ोन से आप दूसरे फ़ोन को भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट है इस फ़ोन में। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास है 1 TB का हार्ड ड्राइव, तो अभी इसे फ़ोन में इंसर्ट कर लेते हैं और देखते हैं फ़ोन में 1 TB हार्ड ड्राइव सपोर्ट करता है या नहीं करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1 TB हार्ड ड्राइव भी सपोर्ट करता है इस फोन में। यहाँ पे मेरा सारा फाइल आ चुका है जो भी हार्ड ड्राइव में था, और यहाँ पे देखिए दो पार्ट था तो दोनों पार्ट मेरा आ चुका है। मतलब 1 TB को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था फोल्डर के हिसाब से, तो दोनों फाइल मेरा सपोर्ट कर गया है। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक आखिरी टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास है USB हब, तो इसमें मैं 4 एसेसरीज इंसर्ट कर देता हूँ जो मैं अभी चेक किया। सबसे पहला है 1 TB का हार्ड ड्राइव, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास सैंडिस्क का 16 GB का पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डोंगल और LED लाइट। तो चारों को मैं इंसर्ट कर दिया हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कनेक्शन कर लेते हैं फ़ोन के साथ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कनेक्शन करने के साथ ही साथ यहाँ पे हमारा LED लाइट जल चुका है। और यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं और क्या क्या सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सैंडिस्क का जो पेन ड्राइव था वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर चुका है, नोटिफिकेशन में है। तो इसे टैप करके यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सारा फाइल है। ओके, और दोस्तों क्या सपोर्ट किया ये चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड एंड माउस भी सपोर्ट कर चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माउस का आइकन आ चुका है डिस्प्ले पे और ये परफेक्टली वर्क भी कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 TB का हार्ड ड्राइव अभी तक सपोर्ट नहीं किया है, बट लाइन आ चुका है 1 TB का हार्ड ड्राइव में। यहाँ पे एक छोटा सा LED लाइट ब्लिंक कर रहा है, बट दोस्तों यहाँ पे अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर 1 TB का हार्ड ड्राइव यूज़ करना है तो आप सिंगल यूज़ कीजिए, सिर्फ OTG के साथ हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर दीजिए, आपका सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर चाहिएगा वो USB हब के साथ कनेक्ट करें दो या तीन डिवाइस एक साथ, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे पेन ड्राइव सपोर्ट कर जा रहा है क्योंकि वो 16 GB का इसलिए सपोर्ट कर रहा है। बाकी आपको अगर OTG यूज़ ही करना है तो सिंगल यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा। आप अगर एक साथ दो तीन डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल ही जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको इन सारे OTG टेस्ट में कौन सा OTG टेस्ट बेटर लगा, और आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप OTG के जरिए क्या आप यूज़ करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों, आपको अगर ये फ़ोन परचेस करना है, जितना भी एसेसरीज परचेस करना है, तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। सोशल मीडिया की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।